बिहार के लोगों का सफर अब और भी शानदार होने जा रहा है। लगातार परिवहन विभाग के द्वारा लोगों की यात्रा को सुखद और सुगम बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत राजधानी पटना में CNG और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन भी शुरू किया गया। न सिर्फ पर्यावरण का ख्याल बल्कि यात्रियों की सहूलियत को भी लगातार ध्यान में रखा जा रहा है। खबर के मुताबिक साल के अंत तक बिहार के तमाम जिलों में CNG और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किए जाने की बात भी की जा रही है और इसको लेकर बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। आपको पता है कि अभी राजधानी पटना सहित बिहार के कई शहरों में प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। वहीं इस बीच अब प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक और CNG बसों को चलाया जाए। राजधानी पटना में अभी करीब 70-80% बस या तो CNG से चल रही हैं या तो इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन ही राजधानी में कराया जा रहा है। इसके साथ साथ राजधानी पटना के आसपास के शहरों के लिए भी इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन अभी प्रारंभ किया गया है। वहीं दूसरी तरफ खबरों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि बिहार में प्रदूषण से राहत और बेहतर पर्यावरण के लिए राज्य भर में इसी साल के अंत तक CNG और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा। इसे लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको यहां पर यह भी जान लेना जरूरी है कि फिलहाल राजधानी पटना से मुजफ्फरपुर राजगीर के लिए ही CNG और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार के सभी जिलों के लिए CNG बसों का परिचालन किया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। दरअसल इस बात की जानकारी बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने खुद ही दी है। राजधानी पटना सहित पटना के आसपास के शहर यानी कि मुजफ्फरपुर राजगीर में अभी CNG और इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, जहां पर यह भी बताया जा रहा है कि चार्जिंग स्टेशन और CNG पंप का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं कई शहरों में अब तक CNG स्टेशनों का निर्माण करीब पूरा हो चुका है और अब इसी के तहत ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यानी कि साल के अंत तक बिहार के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में इलेक्ट्रिक और CNG बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि परिवहन विभाग जो बात कह रहा है उस बात पर अमल कब तक हो पाता है, क्योंकि साल के अंत तक सभी जिलों में CNG और इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन कराए जाने की बात तो की जा रही है, लेकिन इस पर अगर काम बेहतर तरीके से नहीं हुआ तो ये समय और भी देर ले सकता है। मतलब ये हुआ कि यात्रियों को और भी फजीहत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सरकार का दावा है कि साल के अंत तक ये काम जरूर से जरूर पूरा कर लिया जाएगा। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।